जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक वीडियो फुटेज से। इस फुटेज को जरा ध्यान से देखिए और फिर मैं आपसे बात करूंगा। प्लीज से दिस। क्या हुआ भाई? मुंबई को क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मयूर मगर आरान पुलिस स्टेशन शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। और बॉस, ये इंसिडेंट कोई यूनिक नहीं है, दिस हैपेंस क्वाइट अ टाइम्स ऑन द इंडियन रोड्स, टीयर टू सिटीज, टीयर थ्री सिटीज में। देखिए तो बैंगलोर लोकेशन का है, टीयर वन सिटी का। और ये व्यक्ति के पास डैश कैम था एंड थैंकफुली इस डैश कैम में रिकॉर्डेड फुटेज हो गई एंड देन दे शो टू द पुलिस एंड कॉप्स वॉज एबल टू आइडेंटिफाई देम और उसके बाद हिरासत में पीछे रख दिया। तो बॉस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज की तारीख में। अपने व्यक्ति हर एक आता है सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में और उसके लिए डैश कैम एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट बन जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं। देयर वाज अ लेडी हु वाज गोइंग ऑन अ टियर टू सिटी और आप देख सकते हैं कि उनकी जो कार जा रही थी सामने से एक बाइक वाला कैसे उनकी कार के नीचे बिल्कुल आ गया। थैंकफुली उनके पास डैश कैम था। अगर ये डैश कैम नहीं होता, बिकॉज मैंने उनसे बात हुई थी, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर हर, सो एज टू प्रूव कि उनकी मलती नहीं थी, वो जो बाइक वाला था वही उनकी कार के बिल्कुल ठीक सामने आके स्किड हो गया। और देन दे शो टू द पुलिस, अदरवाइज उनके पास वो डैश कैम रिकॉर्डेड फुटेज नहीं होती तो इट कुड हैव बीन अ डिफिकल्ट टाइम फॉर हर, सो एज टू प्रूव इट। अब डैश कैम के बारे में बहुत सारी भ्रांति है, लोगों को लगता है कार की वारंटी वर्ड हो जाती है। मैं कैसे डैश कैम लगवाऊं, क्या बहुत बड़ी सरदर्दी है, फुटेज कैसी आएगी, क्या डैश कैम इतना गर्म हो जाता है कि मैं इस कार के डैश कैम के अंदर आग लग जाएगी, कौन से अच्छे डैश कैम है, किस प्राइस पॉइंट पे आते हैं, आपको सारी कहानी इस वीडियो में संक्षेप में बताने वाला हूं। देखिये, डैश कैम के बारे में जान लीजिए। सबसे पहली बात, डैश कैम इज अ डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, आपको करना कुछ नहीं है। डैश कैम एक कैमरा होता है जो कार की विंडशील्ड में फिक्स हो जाएगा। आई हैव शोन योर वीडियो फ्यू मंथ्स बैक जिसमें बताया था कि डैश कैम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सारे डैश कैम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस एब्सोल्युटली सेम है। तो डैश कैम का वो वीडियो आप देखना चाहें इंस्टॉलेशन सबसे देख सकते हैं, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लेकिन ये जान लीजिए, डैश कैम आपको विंडशील्ड में इंस्टॉल करना है और एक इसकी जो वायर है वो आती है, डैट कम्स टू द पावर सॉकेट। जैसे आप कार का इंजन ऑन करेंगे उस पावर से डैश कैम ऑन हो जाएगा और रोड की फुटेज रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी ऑन द एसडी कार्ड। जब आप कार का इंजन बंद करेंगे वो डैश कैम को पावर मिलनी बंद हो जाएगी और वो फुटेज रिकॉर्ड होनी स्टॉप हो जाएगी। हालांकि उसके कुछ एडवांस वर्जन भी आते हैं जिसमें पार्किंग सर्वेलेंस होती है, उस डैश कैम को आप हार्डवायर कर सकते हैं टू द कार फ्यू सिस्टम। लोगों को मन में भ्रांति है मैं हार्डवायर कर लूंगा, सर हार्डवायर कुछ नहीं होती है, वो डैश कैम की जो वायरिंग है दिस गोज टू द कार फ्यू सिस्टम और कार की फ्यू से निरंतर उस डैश कैम को पावर मिलती है। दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द पार्किंग सर्विलेंस। सपोज आप कार पार्क करते हैं, आपको मन में चिंता है भाई कार मेरी कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा आगे से पीछे से, तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा, आपकी मानो कार पे कोई निशान डाल रहा है, तो वो डैश कैम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और साथ में ये भी जाने कोई लोग मन में है भैया डैश कैम गर्म हो जाता है, अरे सर डैश कैम गर्म होता है वो उसका बाय नेचर कैरेक्टर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब चलता रहेगा इट विल हीट अप। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर हो गई है वो थोड़ी बहुत मार्जिनल है, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इन द फुटेज, ना ही कोई आपको चिंता की बात, आपको छूने वोने की कोई जरूरत भी नहीं है। नीदर यू आर रिक्वायर्ड टू टच ऑन द डैश कैम एवरी टाइम। डैश कैम ऑटोमेटिक कार की बैटरी से पावर लेगा जब भी कार कंडीशन ऑन करेंगे, अगर आप नॉर्मल पावर मोड में करते हैं इसको, और उसमें आपको ये नहीं कोई आपको बार बार बटन ऑन करना है ऑफ करना है, जब कार की बैटरी बंद हो जाएगी तो उसमें वो आपका हो जाएगा। और अगर आप इसको हार्ड वायर करते हैं तो उसमें इतनी कम वो उससे बैटरी लेता है, यूज करता है, कि बैटरी ये ना हो कि लो बैटरी में पहुंच जाएगा। आपको चिंता होगी मैं हफ्ते 10 दिन भी कार की
बैटरी के थ्रू उसको कनेक्ट करूंगा, तो वो भी आप जान लीजिए। अब कौन से डैश कैम बेस्ट है, देखिए मैं आपको तीन प्रकार के डैश कैम बता रहा हूँ इन द डिफरेंट प्राइस रेंज। एक तो होगा 4,000-1,000 रुपए की प्राइस रेंज में, दूसरे डैश कैम होंगे करीब 7,000-1,000 रुपए के आसपास, और तीसरा डैश कैम होगा 10,000-12,000 रुपए में। जो 4,000 की रेंज में डैश कैम है बॉस, उसमें जो दो डैश कैम बता रहा हूँ, एक तो है नेक्स्ट डिजिटॉन कंपनी का A3 डैश कैम जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जिसका इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाया था। बहुत ही सिंपल इजी प्लग इन प्ले है, 1080 पिक्सल इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग होती है, अपर्चर 2.0 है, SD कार्ड फिट कर सकते हैं, और इसके अंदर CPL फिल्टर भी आता है जिससे ग्लेयर कोई रोड पे होती है सूर्य की रोशनी की वो उसको कम करता है। हालांकि रात में थोड़ी नंबर पे उतनी विजिबल नहीं होती है, पर मोटा मोटा एक पर्पस सॉल्व हो जाता है। 1080 पिक्सल स्टिल गिव्स अ रीजनेबल रिकॉर्डिंग और आपको कोई पैसी परेशानी इसमें नहीं है। इससे एक एडवांस वर्जन आया है विच इज कॉल्ड द नेक्स्ट जॉन कंपनी का ही एस डैश कैम। इन सभी के परचेस लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उस एस डैश कैम की खास बात यह है उसमें आपको GPS कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे। सपोज आप कहीं जा रहे हैं हिल ड्राइव में रात के वक्त जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी थी, तो वो GPS वाले आपको A3 डैश कैम में नहीं मिलेगा, एस डैश कैम में आपको मिल जाएगा कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी थी। साथ में उसमें जो अपर्चर है वो 1.8 है, तो थोड़ी सी वीडियो की फुटेज आपको और बेहतर मिलेगी। हालांकि इस डैश कैम में वो पता था लास्ट टाइम CPL फिल्टर नहीं आ रहा है, वो आप जान लीजिए। ये दोनों डैश कैम के परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कॉस्ट यू अराउंड 4,000 रुपीज प्लस आपको SD कार्ड परचेज करना होगा 64 GB का, 128 GB का, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। जो ये वीडियो होगा एक एक मिनट के लूप में होगा बॉस, और इसको आप चाहें तो अपने मोबाइल में थ्रू द इनबिल्ट वाईफाई कार के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, या SD कार्ड निकाल के अपने लैपटॉप में इसको शेयर कर सकते हैं, वो आप जान लीजिए। इससे बेहतर डैश कैम चाहिए तो आप देख सकते हैं मोला का N3 ड्यूल डैश कैम, 7,500-8,000 रुपए के आसपास है, जिसमें आपको फ्रंट का मिलेगा 1440 पिक्सल, रियर का मिलेगा 1080 पिक्सल। तो ड्यूल डैश कैम है, कई लोग के मन में चिंता होती है पीछे से कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, तो वो डैश कैम आपको मदद करेगा, आप उसकी फुटेज को सेव कर सकते हैं। आप उस हिसाब से मैं लैपटॉप में फॉर चेकिंग द सीरीज ऑफ इवेंट्स, और फ्रंट में भी आपके पास होगा, और उसमें आपको GPS कोऑर्डिनेट्स भी है, 7,500-7,000 रुपए के बीच में है। एक्सेक्ट प्राइस आप अमेजोन में क्योंकि वेरी होता है वो आप चेक कर सकते हैं। इसका परचेज लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सब जान लीजिए, SD कार्ड इन सभी डैश कैम के लिए मैंडेटरी है। उसके साथ अगला डैश कैम है वो है ट्रांसेंड कंपनी का ट्रांसेंड ड्राइव पो डैश कैम, जिसमें 1440 पिक्सल है, 2 साल की वारंटी है, ताइवान मेड है, सोनी का आपको सेंसर मिलेगा। ये डैश कैम हालांकि फ्रंट डैश कैम है, इसको आप जान लीजिए, इसमें भी आपको इनबिल्ट GPS अवेलेबल होता है। ट्रांसेंड इज अ वेरी डिसेंट कंपनी इज टू बाय डैश कैम, वो आप जान लीजिए। और उससे भी आपको बेहतर डैश कैम की फुटेज चाहिए कि भैया मेरी फुटेज और अच्छी होनी चाहिए, आई कैन सी द नंबर प्लेट वेरी क्लियरली, तो उस केस में आप जा सकते हैं। एक तो डैश कैम है आपको 70 माइका प्रो प्लस A500S ड्यूल डैश कैम, जिसमें आपको 2.7K है, ADAS भी इनबिल्ट है, बिल्ट इन GPS लॉगर है, रोड रिकॉर्डर है, और इसमें आपको पार्किंग सर्विलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये भी ड्यूल डैश कैम है, करीब 11,000 रुपए का आपको मिल रहा है। अभी आजकल अमेजोन की ग्रेट सेल चल रही है, तो उसमें आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अ वेरी डिसेंट डैश कैम जिसमें कार की नंबर प्लेट भी आपको विजिबल होगी। कई लोग चाहते हैं मेरे को बिल्कुल क्लियर शार्प पिक्चर मिले, आई थिंक दे कैन बी वेरी हैप्पी विद दिस डैश कैम। और जो दूसरा डैश कैम इसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं वो है ट्रांसेंड का ड्राइव प्रो 550 ड्यूल कैमरा डैश कैम। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। फ्रंट का डैश कैम होगा, रियर का डैश कैम होगा, तो सर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई कार ऐसा होता है कि भाई ये लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, तो सर ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, चाहे तो डैश कैम का मुंह मोड़ सकते हैं, कैबिन की भी आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या पीछे वाले डैश कैम का मुंह चाहे मोड़ के कैबिन की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। बट दिस डैश कैम कैन मेक अ सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कोई पुलिस वाले भाई साहब अगर गलती से आपको रोक लेते हैं, आपने भले ही ग्रीन लाइट पर क्रॉस किया, बनने लगा आपने रेड लाइट पर क्रॉस किया, आपके पास रिकॉर्डेड फुटेज होगी। तो आज के युग में डैश कैम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाकी सभी डैश कैम के परचेज लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पर आप चाहें तो इन डैश कैम को परचेज कर सकते हैं। So I hope you like this information, valuable information. If in case yes, support it, share it. जरूर जरूर share करिए अपने social media groups में, जहाँ भी आपके हैं, ताकि सभी लोग एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। ऐसा ना करें कि वो अकेले जा रहे हैं, that footage would always be stored in, वो आप जान लीजिए। Thank you.